शाहिद कपूर और कृति सैनन की मुख्य भूमिका वाली बॉलीवुड फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म एक युवक के बारे में है जो एक मजाकिया महिला के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रोबोट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म पर रिव्यूज आ गए हैं और फिल्म को ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यूज ही मिले हैं। फिल्म देखने के बाद लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और इन दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री को भी पसंद कर रहे हैं। एक नजर देखिए। मेरी बातों में ये उलझा जिया जो है ना, सच में पूरे पिक्चर्स को उलझा दिया है इन्होंने और पूरे ऑडियंस को भी है ना उलझा के रख दिया था। और कृति सैनन का जो एक्टिंग था ना, मतलब लग ही नहीं रहा कि लिटरली कि हम लोग उसी को देख रहे थे, और लग रहा था सच में कि हम रोबोट को देख रहे हो कहीं ना कहीं। सो बहुत अलग लेवल पे गई पिक्चर। पीछे छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि बिकॉज ऑडियंस उतना देख नहीं आई है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑडियंस को आना चाहिए, इस पिक्चर्स को देखने चाहिए और वन टाइम वॉच है। और सबसे अच्छी बात है गाने बहुत बेहतर है और रोबोट के साथ जो इस इंसान के लिए जो मतलब क्रिएटिव किया गया है ये सबसे बेस्ट किया जा रहा है। क्या बात है, इस फिल्म को कितने रेटिंग देना? 5 में से 5 देना चाहूँगा मैं। ऑडियंस को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये पिक्चर्स एक नई तरीके से रिलीज किया जा रहा है और अच्छे तरीके से इसको लाया जा रहा है, तो प्लीज आप लोग आइए और इस पिक्चर को जरूर देखिए। फिल्म बहुत अच्छी है। कृति सैनन और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी? केमिस्ट्री अच्छी है, कृति सैनन बहुत अच्छी है, मतलब वो बहुत अच्छी दिखती है। एक रोबोट और इंसान के बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी है, न्यू कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है, स्टोरी कास्टिंग बहुत अच्छी है। इसमें तो हमारा दोस्त भी काम किया है इसीलिए हम लोग और जल्दी आए थे। बहुत बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि दोनों ने पहली बार काम किया, बहुत अच्छे प्यार से एकदम बहुत अच्छी ट्यूनिंग के साथ काम किया। कितने स्टार देना चाहेंगे इसको? मैं इसको 4.5 दूंगा, पूरे 5 दूंगा, पूरे 4.5 किया। ऑडियंस को आप जाओ फैमिली के साथ देखो, दोस्तों को दिखाओ, बहुत अच्छी है। एक अब हम चाहते हैं कि 2-2.5 घंटे फ्री होके हम देखें और वैलेंटाइन का मौका है तो रोमांटिक मूवी अच्छी चीज़ है। मुझे पहला हाफ जो है ये मूवी का तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो पेस लगा लेकिन सेकेंड हाफ में जब वो पिकअप कर लेती है तो बहुत अच्छा है। सेकेंड हाफ एंटरटेनिंग है, इन्जॉयबल है। और आजकल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे रोबोट सर्जरी करते हैं, तो यंग जनरेशन बहुत इन्जॉय कर रही थी क्योंकि वो रिलेट कर सकते हैं ये मूवी से। हाँ देखिए, ये मूवीज़ में फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो भी दिखाया जाए वो सच ही हो, लेकिन बहुत अच्छा है उसमें अगर रोबो में इमोशंस आ जाएँ तो क्या होता है वो दिखाया गया है, तो अच्छा है। अमित जोशी और आराधना शाह का डायरेक्टर डेब्यू है और काफ़ी अच्छा है। बड़े स्टार की बात करें, धर्मेंद्र और डिंपल कपाड़िया, वो तो सीजन एक्टर्स हैं दोनों, मुझे लगता है डिंपल कपाड़िया को ऑल स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए, तो बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं वो। धर्मेंद्र जी का भी बहुत ही फनी कैरेक्टर है और वो तो सूरज को रास्ता दिखाना उनका, उन्हें देखना सौभाग्य कि वो आज भी हमें एंटरटेन कर रहे हैं। बाकी राजेश कुमार हैं, राकेश बेदी, ऐसे बहुत सारे सीजन एक्टर्स हैं जिन्होंने कॉमेडी की। फिल्म की सबसे कौन से ऐसे मतलब टाइम था जो आपको नहीं पसंद आया? बहुत सारे ऐसे सीन से बहुत स्लो पेस्ड है, मुझे लगता है कि 15-20 मिनट मनीष प्रधान जो इसके एडिटर हैं इसको एडिट कर सकते थे। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी लक्ष्मण होते करके, बट कुछ सीन्स डेफिनेटली एडिट किए जा सकते थे। मैं दूंगा 3 स्टार्स। एक गाना है धक धक करने लगा, आइकॉनिक नंबर जिसपे वो डांस करती है, वो बहुत ही फनी लगा, लास्ट में लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। और कृति सैनन बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, शाहिद कपूर बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, काफ़ी टाइम बाद उनको देखा तो और अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छा था, अगर और अच्छा एग्जीक्यूशन होता तो 4 चांद लग जाते। जानवी कपूर का लास्ट में कैमियो है वो अच्छा लगा, और देखते हैं पार्ट 2 कैसा होता है। नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। कृति सैनन और शाहिद कपूर को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। जी जी, तो आपकी फिल्म कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी। अच्छा, इसमें अगर हम बड़े स्टार की बात करें, धर्मेंद्र, क्रॉसिंग कौन से क्या होते हैं? बेहतरीन है वो तो, पुराने हैं और काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। जी जी जी, ये कहना चाहते हैं कि आप सब लोग आकर देखें और अच्छी फिल्म है, मैं तो 10 ही देना चाहता हूँ। बहुत मजा है। बिल्कुल, काफी इंजॉय किया और नो डाउट बहुत मजा आया। आप लोग भी जाइए, काफी मजा आने वाला है। और जैसे मेरे
मेरे खुद फ्रेंड्स लोग उसमें हैं मूवी वगैरह में, तो काफी एंजॉय किया हम लोगों ने। नो डाउट की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी है कि अगर रॉबर्ट से अगर रियल लाइफ में कोई शादी करता तो उसका मिस हो सकता है, तो आपको क्या? नहीं ऐसा नहीं है, वो हमारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि हमारा ह्यूमन मेंटेलिटी क्या है, डिपेंड ऑन पीपल्स। शाहिद कपूर और रितिक रोशन की केमिस्ट्री कैसी लगी पहली बार? मुझे बहुत अच्छा लगा, लव स्टोरी को बताने का एक नया तरीका काफी अच्छा लगा। जैसे अभी लव को एज आ वैसे लेते नहीं है जैसे पहले लेते, बाकी काफी एंजॉय किया। नो डाउट बहुत धर्मेंद्र जी को तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, हमेशा से मैं उनके बहुत बड़ा फैन हूँ, काफी मजा आया। ये मूवी बहुत अच्छी लगी और आई वाज वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी एंड दैट्स व्हाई आई केम लाइक फॉर द फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ह्यूमन और एक रोबोट के बीच में अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें वो मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। ऑफकोर्स ह्यूमंस में हम चाहते हैं कि हम जो एक्सपेक्ट करें वो वैसा ही करें, यू नो वी वॉन्ट देम टू बी परफेक्ट, बट एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस वर्सेज रियलिटी, तो दैट्स द थिंग। और बाकी वही है, ह्यूमंस तो ह्यूमंस ही है। पहले की अगर रॉबर्ट फिल्मों की बात करें तो जब भी रॉबर्ट फिल्म आई थी लास्ट टू लास्ट रजनीकांत को डिस्ट्रॉय ही किया गया, करना पड़ा है। क्या कुछ रिलेटेड दिखाया गया है? अब ऑब्वियसली मैं क्लाइमेक्स रिवील नहीं करूँगी सो दैट ऑडियंस कैन कम एंड वॉच ऑन देयर ओन, लेकिन वही दिखाया गया है कि मतलब डिस्ट्रॉय करना इज़ नॉट द लाइक राइट थिंग, ऑब्वियसली मतलब देर आर अदर ऑप्शन एज वेल, तो वो क्लाइमेक्स में आपको देखने को मिलेगा। मैं 4.5 मैं ऑडियंस को यही बोलूँगी कि आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए, इट्स अ वेरी नाइस मूवी एंड इट्स लाइक इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। वैसे रजनीकांत की मूवी आई थी रॉबर्ट्स पे, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अलग एंगल से इस मूवी को दिखाया, तो आई थिंक यू शुड गो एंड वॉच दिस मूवी फॉर श्योर। इसका पहले तो टाइटल बराबर नहीं है, इतना लंबा टाइटल है, टाइटल थोड़ा छोटा होना चाहिए। लव स्टोरी है और ये जो रोबोट वाला जो सब्जेक्ट है वो नया नहीं है, अभी बहुत पुराना हो गया। इसके पहले सीरियल भी आ चुकी थी सेम सब्जेक्ट की 2 साल पहले, तो इतना कुछ खास नहीं है। तो सर ये जानना चाहेंगे एक ह्यूमन और रोबोट के बीच प्रेम कहानी को दिखाया गया है कि अलग कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको कैसा लगा? कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, वो पहले आ चुका है, मैं बताया ना आपको ऐसा, तो ठीक है सर। हाँ फिल्मों में पहली बार आया वो ठीक है सर, कॉन्सेप्ट ठीक। इसमें कृति सैनन का रोल अच्छा है, वो रॉबर्ट जो बनी है वो अच्छा है। और कृति सैनन और शाहिद कपूर पहली बार आई थिंक यू नो कर रहे हैं, सो केमिस्ट्री ओके है, उसकी केमिस्ट्री ठीक है, एवरेज है। वो जो पुराने जो आर्टिस्ट है धर्मेंद्र और डिंपल का, वो ज़्यादा वेस्टेड है मुझे ऐसा लग रहा है सर, उसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है उसमें। 3 दूंगा आउट ऑफ 5। ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? 1 टाइम वॉच, बहुत अच्छा लगा एंड या एक डिफरेंट स्टोरी लाइन है, एक डिफरेंट फील्ड को जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है AI वगैरह, उसको एंटर करने की कोशिश की गई है। 3.5 केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, यस। वो तो फिर हमेशा ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार है सर, कि अगर टाइम है तो ज़रूर देखिए मैं हुआ ही आपको भी होना चाहिए। किसको? 3.5। ओ कीर्ति सेनन ने हमें अपनी बातों में उलझा दिया, और शाहिद कपूर तो उलझा हुआ था ही, हम भी उलझ गए। पिक्चर देखिए ठीक ठाक है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सीनरी बहुत अच्छी ली है अमेरिका और इंडिया की, और कपड़े डिज़ाइन वो सब बहुत अच्छा बनाया। डिम्पल कपड़िया का रोल बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बात खाली समझ में ये नहीं आती है कि ये डायरेक्टर ने जो बताया है कि एक रोबोट और एक ह्यूमन बीइंग में लव हो जाता है, अगर तो रियल लाइफ में भी होते हैं तो उसके कहीं ना कहीं मिसयूज ही होंगे, 100% मिसयूज होंगे। जैसे आज AI जो हुआ है वो अभी मिसयूज बहुत हो रहा है, उसका यूज़ कौन ले रहे हैं वो तो पता ही नहीं है, लेकिन मिसयूज तो रोज़ हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। और फिल्म की बात करें तो धर्मेंद्र की आपको एक्टिंग कैसी लगी? धर्मेंद्र की एक्टिंग तो भाई पुराने हीरो हैं, सदाबहार हैं, लेकिन उनके हिस्से में रोल बहुत कम आया है, फिर भी ठीक है, जो रोल आया वो उन्होंने निभाया। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा? फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा था, इंटरवल के बाद सेकेंड हाफ का बहुत इच्छा था कि क्या बताएंगे,
लेकिन हल्की फुल्की कॉमेडी करके पिक्चर खत्म हो गया। आइए देखें कि दर्शक फिल्म को कितने स्टार देने को तैयार हैं। 5 में से 5 देना चाहूंगा मैं। 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। 3.5। 4 स्टार। मैं इसको 4.5 दूंगा, पूरे 5 दूंगा, पूरे 4.5 जाने वाले हैं। मैं 5 आउट ऑफ 5, थैंक यू। 3.5।